नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट आप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीआई का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ 1000 रूपए है, ठीक है। उस 1000 रूपए को आपने क्या किया, बैंक में जमा किया या कहीं भी इन्वेस्ट किया आपने। अब मान लीजिए कि 2 साल के लिए आपने क्या किया था, उस पैसे को जमा किया था। 2 साल बाद 1000 रूपए का कितना हो गया, 1200 रूपये में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो पहले जो प्रिंसिपल था वो क्या हो गया, अब प्रिंसिपल नहीं होगा। जो अमाउंट आया जो बाद में मिलता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है। अब अमाउंट क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो अगले साल का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, सीआई के कंडीशन में प्रिंसिपल हो जाता। तो इतना बेसिक आपको नहीं जानना है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। मान लीजिए आरडी जो होता है बैंक में, आरडी का नाम आपने सुना होगा, आरडी एफडी। तो एफडी का मैंने एग्जांपल दिया था कि ये एसआई पे होता है और आरडी क्या होता है आपका, सीआई पे होता है, ठीक है। इस पे जो ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है, सीआई पे मिलता है। तो सीआई पे एसआई से कुछ ज्यादा ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट कुछ ज्यादा मिलता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो हमने कहा था कि आपको बिना फॉर्मूले के हम बताएंगे, तो बिना फॉर्मूले के हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्सेप्ट, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, पी इंटू में 1 + r/100 n। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ए का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है। तो सबको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में जान लेते हैं। तो ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में बोला जाता है मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। आगे प्रिंसिपल, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी हो गया, उसके बाद रेट, रेट को हिंदी में बोला जाता है दर, जो कि आप लोग जानते होंगे किस दर पे बैंक आपको ब्याज देगा, मतलब आपका पैसा जमा होगा बैंक में। उसके बाद देखिए टाइम, टाइम को यहां लिखा गया एन, और ये टाइम तो जानते होंगे समय हो गया, ठीक है। उसके बाद और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिर्फ इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है उसको हम देख लेते हैं, बाकी का फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन में आप अमाउंट को खोजिए और पी को खोजिए, ई और पी आपको मिल गया, अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कीजिए अमाउंट अपॉन में पी। इसका कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे। आप पे सिर्फ याद रखिएगा कि अमाउंट को पहले खोजना है और प्रिंसिपल को खोजना है। अगर अमाउंट और प्रिंसिपल निकल जाएगा ना, तो आप रेट भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। अभी हम बाकी के कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला है, अगर रेट आर वन दिया हो, आर टू दिया हो, आर थ्री दिया होगा, अलग अलग रेट दिया होगा, मान लीजिए आर एन तक दिया हुआ है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू में 1 + r/100 इंटू में 1 + r/200 इंटू में 1 + r/300। ये ऐसे ही क्या होगा ना, चलता जाएगा, ठीक है ना। और ये कहां तक जाएगा, 1 + rn/100। अगर मान लीजिए कि 3 साल तक दिया है ना, यानी r3 तक दिया हुआ है, तो यहीं पे जाके आप रोक देंगे। तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो हम इस फॉर्मूले को अभी हटा देते हैं। आगे देखिए अगला फॉर्मूला है कि मान लीजिए जो टाइम है वो दिया हुआ है ना, 2 × 3/5 2 fraction 3/5 year। अब इसको कैसे यूज कीजिएगा, तो देखिए ए इक्वल टू में पी इंटू में 1 + r/100, और इसको हम यहां लिख लेते हैं x फ्रैक्शन a अपॉन में b, ठीक है। इसी फ्रैक्शन को हमने इस फॉर्म में लिखा, तो ये जो 2 है ना, या जो ये x है ना, ये पावर में यहां चला जाएगा, इंटू में 1 + r/100 आप लिख लीजिए, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 3/5 जिसको मैंने a बाई बी लिखा हुआ है, उसको आप a अपॉन में b यहां मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, जो मैं बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे,
अब आपको लिखा रह सकता है ना क्वेश्चन में, दिया हो सकता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हाफ ईयरली, मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है। हाफ ईयरली के कंडीशन में क्या होता है, 12 महीना का एक साल होता है ना, अब हाफ ईयरली मतलब 6 महीना प्लस में 6 महीना, इसका मतलब आपको बैंक को दो बार ब्याज देना होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा अमाउंट, उस कंडीशन में क्या होगा कि रेट जो होगा वो आधा हो जाएगा, तो आर बाई टू हो जाएगा, और टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तो टाइम को आप टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा और रेट को आधा कर दीजिएगा, मतलब मान लीजिए 20% है ना रेट है, तो इसको क्या होगा बैंक 10% 6 महीने के लिए यूज करेगा और अगले 6 महीने के लिए 10%, ठीक है। ऐसे ही बैंक एक साल में कितने बार ब्याज देगा, 6-6 महीने पे एक बार ब्याज देगा, तो एक साल में 12 महीना मतलब दो बार बैंक को ब्याज देना होगा, इसलिए हमने क्या किया टू से मल्टीप्लाई किया है, तो हर जगह कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट से अगर आप समझ गए तो बना सकते हैं, ठीक है। हाफ ईयरली वाले कंडीशन को समझ में आ गया होगा आप लोग को, आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा होगा क्वार्टरली, तो क्वार्टरली को हम शॉर्ट में लिख लेना क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली को हमने शॉर्ट में लिखा। अब क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, ये एक सर्कल है, मान लीजिए एक केक है, केक का चार हिस्सा कीजिएगा, तो ये क्या हो गया एक क्वार्टर हो गया ना, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज है यहाँ पे, यानी एक सर्कल को चार हिस्सों में डिवाइड किया, तो इस 12 महीनों को चार हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा, तो एक एक हिस्सा आएगा 3 महीना का, तो 3 महीना प्लस में 3 महीना प्लस में 3 महीना, इसका मतलब बैंक को चार बार ब्याज देना होगा, हर 3 महीने पे एक बार ब्याज देना होगा, इसका मतलब रेट को क्या करना होगा चार से भागा, ठीक है, और टाइम को क्या करना होगा चार से गुना, तो ये याद रखिएगा कि टाइम चार से गुना होगा, रेट को चार से भागा देना होगा, मैंने समझा दिया था कि ऐसा क्यों होता है, आगे देखते हैं। आगे अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बच गया था, फॉर्मूला था अमाउंट का, फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं क्या होता है, पी प्लस में आई, ठीक है ना, पी प्लस में आई क्या होता है अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल होगा जब उसमें ब्याज को ऐड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा अमाउंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सीआई के कंडीशन में भी इसी फॉर्मूले को आप यूज कीजिएगा, जब सीआई निकालना होगा तो ए में से पी को घटा देंगे, और एसआई निकालना होता था तो भी तो हम यही काम करते थे ना, जितना अमाउंट हुआ उसमें से पी को घटा दिए, तो दोनों कंडीशन में एक ही फॉर्मूला को आप यूज करेंगे, सिर्फ अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके आ चुका होगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 8000 रुपए का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई क्या होगा, ठीक है, आपसे सीआई पूछा गया है, तो यहाँ पे डेटा आप लोग को दिख रहा होगा, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है यहाँ पे 8000, ठीक है, और ये टाइप वन का पहला क्वेश्चन है, टाइप वन प्रिंसिपल है 8000, उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम देखिए 3 साल, ठीक है, 3 ईयर, उसके बाद देखिए, उसके बाद रेट कितना लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है 5%, ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या सीआई, तो हम सीआई निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकाल ले, अमाउंट निकाल लेना, अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू में 1 प्लस में आर बाई 100 के पावर में एन, अब इस पे पुट कर दीजिए, और यहां ध्यान दीजिएगा यहां कितना 5% ना, तो ये 100 प्लस ये 100 मान लीजिए और इसमें 5% ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 105/100, फॉर्मूला पे पुट नहीं कीजिएगा, 105/100 सीधा हो जाएगा ये, तो उसके बाद 3 साल, तो 3 साल यहाँ लिख लिए। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि मुश्किल होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 20। अभी देखिए हम स्ट्रेट से बना रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी बनाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 8000 गुना में जब इसका क्यूब कीजिएगा तो 9261 अपॉन में 8000, ये कट गया कितना आ गया 9261, ये क्या निकला अमाउंट निकला, आपसे पूछा क्या गया था सीआई, तो सीआई को हम यहां लिख लेते हैं, तो सीआई का फॉर्मूला भी मैंने बताया अमाउंट माइनस में पी, अब अमाउंट कितना है 9261 माइनस कितना, माइनस में 8000, कितना आ जाएगा 1261, देखिए कितने आसानी से बना लिए, तो ये तो काफी लंबा हो गया, ये तो आपने स्टेप से बनाया, ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट में बनाते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, आपको सबसे पहले खोजना है रेट,
रेट मिल गया, कितना दिया हुआ है 5%। आप क्या कीजिए, इसमें 100 ऐड कर दीजिए, यानी 105% बना लीजिए, ठीक है। अब इनको कैंसिल आउट कीजिए, 21 अपॉन में कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या कीजिएगा, इस 21 अपॉन में 20 का यहां टाइम कितना दिया है, 3 साल, क्यूब कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9261 अपॉन में क्या हो जाएगा 8000। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 1261। देखिए कितने आसानी से हमने क्या किया ना, सीआई को निकाल दिया बिना कोई फॉर्मूले के। मैंने जैसा बोला था कि बिना कोई फॉर्मूले के आप सीआई के क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो देखिए बिना कोई फॉर्मूले के हमने सीआई के क्वेश्चन को बना दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला का कम से कम यूज करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ याद करना पड़े, आप बिना याद किए भी काफी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, 2000 रुपए को 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज की दर पर उधार दिए जाने पर सीआई क्या होगा, ठीक है। तो जो डेटा है उसको लिख लेते हैं, 2000 रुपए आपके पास है, उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर, और यहाँ रेट कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है ना। अब आपको सीआई निकालना है, तो मैंने बताया था इसको बनाने के लिए कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले अभी स्टेप से बना लेते हैं, तो यहां सीधा मैं प्रिंसिपल को पुट करता हूं, पी इंटू में आर, 110 हो जाएगा ना, 110/100 की पावर में एन, ये कट गया ये कट गया। अब यहां देखिए ये कितना आएगा 121/100, कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा 242/10, 2420 रुपए। यहाँ हम अब पहले वाले तरीकों को लगाते तो शायद गलत हो जाता, उसको आप लगा के देख लीजिएगा। तो यहाँ कितना ब्याज आपको मिला 420 रुपए, 420 रुपया मिला ना, 2000 - 2420, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिएगा 420 रुपए आएगा, शायद आना चाहिए 420 रुपए, क्योंकि 2000 रुपए दिया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आगे देखते हैं, आगे देखिए, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए आपको ट्रिक से बनाना है, तो ट्रिक से हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, देखिए कैसे बनाएंगे। तो मैंने बोला था रेट को देखने के लिए, तो रेट कितना दिया हुआ है 10%, 10% से आप क्या कीजिएगा 110% बना लीजिएगा, 10 से 10 काट लिए। अब क्या है, टाइम को देखना है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, तो स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना आएगा 121/100। अब इसको आपको क्या करना है ना, ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि ये प्रिंसिपल आपको वापस से मिल जाए। तो आपको क्या करना होगा, 20 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, 20 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 242 और यहाँ 2000। अब देखिए नीचे प्रिंसिपल आ गया, इसका मतलब मैंने बोला था जो ए अपॉन में पी के फॉर्म में लाने के लिए इस फॉर्म में आप ला चुके हैं। अब इन दोनों को घटा लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 420 रुपए। तो देखिए कितने आसानी से हमने बना लिया, और क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ 20,000 था तो वहां 10 ज्यादा हो जाएगा तो 4200 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया होगा, तो हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखते हैं, 1200 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1/2 ईयर का सीआई ज्ञात करना है, ठीक है, जबकि ब्याज की दर क्या हो छमाही हो, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया हाफ ईयरली दिया गया। तो अब हम कैसे बनाएंगे देखते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 1200, ठीक है हमने लिख लिया, और रेट कितना दिया हुआ है 20%। हम कोशिश करेंगे बिना फॉर्मूले के अब बनाने का, ठीक है। उसके बाद वर्ष कितना दिया टाइम 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3/2 ईयर आ जाएगा, ठीक है ना, 3/2 ईयर आ गया, छमाही है, इसका मतलब हाफ ईयरली लिखा हुआ है। तो मैंने बोला था रेट को क्या करेंगे 2 से भागा देंगे तो 10 आ जाएगा, टाइम को 2 से गुना करेंगे तो 3 साल आ जाएगा, 3/2 × 2, क्योंकि आपको बैंक को 1 साल में 2 बार ब्याज देना होगा, हर 6 महीने पे ब्याज देना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बता दिया था कि आपको क्या करना था। अब आप फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला है ना, अमाउंट इक्वल टू में पी इंटू में 1 + R/100 के पावर में एन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी दिया हुआ है 1200
रेट कितना दिया हुआ 10%, मतलब 110% आ जाएगा। और टाइम कितना दिया है 3 साल, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 से 10 काटिएगा और मैं यहां पे लिखता हूं अब यहां पे क्या हो जाएगा 1200 गुना में 1331 अपॉन में कितना 1000, 20 से 20 कट गया, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा शायद 1597 और 20। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 20 नहीं इतना आ जाएगा और यहां 20 आ जाएगा, नहीं 20 नहीं आएगा, वो तो हमने 20 काट दिया है, कैंसिल आउट किया है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और जब इसमें से आप इस अमाउंट को घटाइएगा ना 1200 को, अमाउंट आया ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइएगा तो 397 रुपया क्या आ जाएगा, 397 रुपया 20 पैसा सीआई निकल जाएगा। तो सीआई क्या हो गया, ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी कैलकुलेशन ज्यादा होता है, तो रेलवे के एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा कैलकुलेट करने का। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हम अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक। आगे देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है टाइप वन का, तो उसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1000 रुपए का 2 fraction 1/4 ईयर का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1000, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टाइम, टाइम लिखा हुआ है 2 fraction 1/4 क्या ईयर, उसके बाद रेट क्या लिखा हुआ है 5%, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है सीआई, कैसे निकालेंगे सीआई देखते हैं। तो यहां पे क्या कीजिएगा, यहां पे अमाउंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, उस फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं। 1 + rate/100, और ये जो 2 है ना ये पावर में चला जाएगा, और 1 + 1/4 × r/100 कुछ ऐसा ही बताया था ना, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है अगले वाले में चला जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए 1000 और 1 + r/100 105/100 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 + 1/4 5/100 इसे पूरा लिखना होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा आएगा, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा क्या देख लेते हैं, हम कुछ सॉल्व करते हैं इसको। ये 21 अपॉन में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 1000 गुना में 441 अपॉन में 400, 20 से 20 तो कट गया, गुना में ये क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा, शायद 81/80 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, अब कटेगा तो अब नहीं कटेगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1116.28, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सीआई निकालने के लिए शायद पूछा होगा ना, तो सीआई तो क्या होता है अमाउंट माइनस पी होता है, सीआई इक्वल टू में निकाल लीजिए 1116.28 माइनस में पी कितना है, पी देखिए तो पी दिया हुआ 1000, क्या आ जाएगा 116.28। देखिए आसानी से तो बना, पर यहाँ कैलकुलेशन काफी ज्यादा था, अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते। तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे फॉर्मूला यूज ना करने का, पर यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, तो हम हटा देते हैं जल्दी से इसको, चलिए ठीक है हटा देते हैं। टाइप टू का अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ कि 4% प्रति वर्ष सीआई ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए, इसका मतलब 4% रेट दिया हुआ है और सीआई पे आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, किया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपए हो जाए, इसका मतलब 2 साल में आपको अमाउंट कितना मिल जाए, 676 रुपए मिल जाए, ठीक है। तो देखिएगा हम इसको स्टेप्स के बिना बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है 4% और कुछ टाइम लिखा हुआ है 2 साल, ठीक है, और अमाउंट लिखा हुआ है 676। हम कोशिश करते ही बिना फॉर्मूले के बनाने का, तो हमें क्या खोजना था, रेट हमें मिल गया, इसको क्या करेंगे 104 लिख लेंगे,
परसेंट 104/100, ठीक है। रेट को हमने लिखा, ठीक है, यहां से हमने लिखा रेट को 104/100 कैंसिल आउट कीजिए तो 26 है, और इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 25 है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 26/25 है, टाइम कितना दिया 2 साल, द होल स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो 676/625। तो मैंने शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ए अपॉन में पी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, नीचे जो है आपका प्रिंसिपल होगा, ऊपर हमेशा अमाउंट होगा, तो प्रिंसिपल कितना निकल गया 625, और शायद क्वेश्चन में क्या पूछा गया था प्रिंसिपल। तो अब हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इससे आसान आप क्या बना पाइएगा। तो देखिए हमने रेट और टाइम से हमने क्या निकाल लिया, अमाउंट भी निकाल लिया, प्रिंसिपल भी निकाल लिया। तो जरूरी नहीं है कि अगर अमाउंट नहीं दिया होता तो भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला होगा बिना फॉर्मूले के, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के बना ले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उसको मैं समझा देता हूँ। लिखा हुआ है कि कितने वर्षों में 800 रुपए का मिश्र धन 5% वार्षिक CI की दर से 882 रुपए हो जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया 800 रुपए, और जो अमाउंट बोला वो 5% पे, 5% रेट दिया हुआ है, ठीक है, CI पर एनम वार्षिक लिखा हुआ है, और कितना हो जाता है 800 रुपए से 882। तो पी कितना दिया हुआ है 800, अमाउंट कितना दिया हुआ है 882। हमें दो चीज चाहिए था, दो चीज हमें मिल गया, और यहाँ पर रेट कितना दिया है 5%। हमने बोला था कि अमाउंट और पी खोजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो अमाउंट को पी से डिवाइड कीजिए ऐसे, ये क्या हो गया कटेगा भी 400, और ये क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था टाइम, तो ये 441। अब इसको हम लिख सकते हैं 20/21 द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, 400 को 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। इसका मतलब टाइम कितना आ गया 2 साल, जो हमें निकालना था हमने निकाल लिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि रेट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि ये रेट नहीं दिया होता तो भी हम निकाल लेते, 20/21 जो आ गया ना आपको, उसको क्या करना है, 20/21 आ रहा है ना, ठीक है, मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या किया ना, उल्टा लिखा है, इसको सही करते हैं। देखिए यहाँ पे 882 होता और यहाँ पे 800 होता, थोड़ा सा गलत हो गया था मुझसे, तो ये 441 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 400। अब क्या होगा 21/20 द होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं। आगे देखिए अब टाइम कितना मिल गया 2 साल, तो टाइम हम लोग का निकल गया 2 साल। अगर स्क्वायर होगा तो 2 साल, क्यूब होगा तो 3 साल, तो 2 से 3 साल के बीच में टाइम आएगा। अब मान लीजिए रेट निकालना होता है, रेट अभी दिया है, पर नहीं दिया होता तो कैसे निकालते, तो जो 21/20 आया ना उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये अभी फ्रैक्शन में था, तो काटिएगा तो 5 आ जाएगा, और कितना आएगा 105%, ठीक है। तो 100 में से घटा लीजिएगा तो 5% रेट भी निकल जाएगा, और फॉर्मूला तो आपके सामने ही है ना, क्या फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू में पी इंटू में 1+R/100, जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट कीजिए, और यहाँ आप इस फॉर्मूले से भी इसको बना सकते हैं। तो फॉर्मूला से अगर बनाना होगा तो बना लीजिएगा, या अगर जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा तो इससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे लिखा होगा कि किसी किस दर से 1200 रुपए का 2 वर्ष में CI की दर से मिश्र धन 1323 रुपए हो जाएगा। तो हम देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपए, अमाउंट दिया हुआ है 1323 रुपए, ठीक है, और बाकी तो हमें चाहिए नहीं, फिर भी हम लिख लेते हैं, टाइम दिया हुआ है 2 साल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अमाउंट और पी दिया हुआ है ना, उसको लिखा हमने 1323/1200, 3 से कटेगा 441, और ये क्या आ गया 400। अभी मैंने समझाया था, या आप ऐसे कर सकते हैं, अगर टाइम दिया हुआ तो 1/2, जो टाइम होगा उसको 1/2, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का आगे यूज करना है, या 21/20 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, 21/20 में इसको ब्रेक कर लिया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ना, 1/2 मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, और 1/2 कैसे आ गया, ये 2 ईयर है ना, तो उसको 1/2 करके आपको लिखना था, 1/n, n का वैल्यू जो होगा उसको लिखेंगे आप। अब ये क्या है, अभी फ्रैक्शन में परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुना, तो गुना कीजिए 5, 105% आ गया,
इसका मतलब 5% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो देखिए बिना फॉर्मूले के हम इस क्वेश्चन को बना लिए। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि चक्र वृद्धि ब्याज की ब्याज पर कितने वर्ष कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या था ना, टाइप चेंज करना था मुझे, तो इसको इसी टाइप में बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीआई पर टाइम दिया हुआ 2 साल, ठीक है, और बोला गया 4 गुना, मतलब अमाउंट कितना है, 4 रुपए हो जाता है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, 1 रुपए, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने समझाया था कि अमाउंट अपॉन में पी, कॉन्सेप्ट वही लगना है, 4 अपॉन में 1। अब क्या करेंगे, जो भी टाइम है उसको 1/n के फॉर्म में ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2/1 निकल जाएगा, ठीक है। अभी ये कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है ना, परसेंटेज में लाने के लिए भी किसी नंबर को क्या करते हैं, 100 से गुना किया जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 200% आ गया। अब इसमें से क्या कीजिए, 100 घटा लीजिए, तो कितना परसेंट हो जाएगा आंसर, 100%। और यहां पूछा गया क्या था, कितने परसेंट ब्याज के, कितने परसेंट ब्याज वार्षिक दर से, वार्षिक दर मतलब रेट आपसे पूछा गया था, तो रेट हमने निकाल लिया 100%। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अमाउंट अपॉन में पी करना है, और सीआई की कंडीशन में बेस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और अब हम देखते हैं टाइप 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं उसको बताऊंगा। आगे देखिए, अब दोस्तों हम देखते हैं टाइप 3 का अगला क्वेश्चन। तो टाइप 3 का अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सीआई पर कोई धन 2 वर्षों में बढ़कर 100 रुपए तथा 3 वर्षों में बढ़कर 121 रुपीज हो जाती है, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको दर प्रतिशत प्रति वर्ष निकालना है, मतलब 2 साल में क्या हुआ, इंक्रीज होकर 100 रुपए हो गया, और 3 साल में कितना हो गया, 121 हो गया। तो आपको क्या बताना है, रेट निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहां भी क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 साल में कितना हो गया, 2 साल में 100 रुपए, 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में देखिए 121 रुपीज, यहां से घटा लीजिए तो गैप कितने साल का हो गया, 1 साल का हो गया ना। तो यहाँ गैप निकालना होगा क्योंकि ईयर जो है अलग अलग दिया हुआ है साल, अब ईयर का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जो ज्यादा पैसा उसको ऊपर, जो कम पैसा उसको नीचे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एन का वैल्यू आ गया 1, तो 1/1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 121/100 ही आ जाएगा, परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो कट गया, कितना आ गया, 121 आ गया, 100 से कितना ज्यादा है, 21%, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेट 21%। तो देखिए फिर से हमने बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व किया। अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, एक ही मेथड से हम सभी क्वेश्चन को बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से कोई धन 5 वर्षों में 1.6 गुना, ठीक है, 5 ईयर में कितना हो गया, 1.6, तो इसको लिख लीजिए आप, यहां लिखते हैं 5 ईयर में 1.6 टाइम्स, और क्या लिखा हुआ है, 7 ईयर में 2.5 टाइम्स, तो गैप निकालिए 2 साल। अब हमें क्या करना होगा, जो ज्यादा पैसा है ना उसको ऊपर, जो कम अमाउंट है ना उसको नीचे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 1/n, तो पॉइंट को हटा दीजिए, ऐसे करके पॉइंट को हटाइए, तो 5/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, गुना में 100 कर दीजिएगा, तो गुना में 100 करके क्या कीजिएगा, 25 हो जाएगा, मतलब 125% हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया, तो समझ में आ ही गया होगा, 125% आया ना, मतलब 100 में से घटा लीजिएगा तो 25% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो रेट क्या निकल गया, 25%। तो देखिए कितने आसानी से हमने बना लिया, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज हुआ, पर हमारा जो मेथड है ना वो लगभग एक ही है। तो अब हम अगले टाइप को देखते हैं, अगला टाइप क्या है, टाइप 4। अब दोस्तों देखिए टाइप 4 का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ है ना, कि यदि कोई धनराशि सीआई से चक्र वृद्धि व्याज से 6 वर्षों में 8 गुना, तो उतनी ही धनराशि उसी सीआई की ब्याज दर से, मतलब रेट से, कितने साल में 16 गुना हो जाएगा। तो इसके डेटा को हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टाइप 4, और डेटा क्या लिखा हुआ है,
डेटा लिखा हुआ है कि 6 वर्षों में, 6 ईयर में कितना हो गया 8 गुना, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, कितने वर्षों में, तो x वर्षों में 16 गुना हो जाता है। तो पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी होगा ना उसको 8 के पावर में 1/6 कर लीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही 16 के पावर में 1/x हो जाएगा। अब देखिएगा इसको क्या बना लेंगे, इसको बना लेंगे, दोनों को सेम में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, उसके पावर में 1/6 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 2 के पावर में 2 बन जाएगा, ठीक है, या अभी बाद में लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में पहले इक्वेट कीजिए, तो इक्वेट करेंगे तो 8 के पावर में 1/6 टेन 6 इक्वल टू में 16 के पावर में 1/x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये 2 के पावर में क्यूब लिख सकते हैं ना इसको, और 1/6 से, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 4, और यहाँ पे 1/x है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो 2 के पावर में 1/2 आ जाएगा, और यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 के पावर में 4/x आ जाएगा। अब बेस क्या हो जाएगा, कंपेयर होके कट जाएगा, लगभग कट ही जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 1/2 इक्वल टू में 4/x हो जाएगा। अब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 साल। इसका मतलब 8 साल में जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन फॉलो हो जाएगा, तो 8 साल में 16 गुना हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, 8 ईयर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, अभी स्क्रीन पे आ गया होगा। लिखा गया है कि यदि कोई धन CI पर 12 वर्षों में दुगुना, ठीक है, तब वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। तो जो भी डेटा दिया अगले क्वेश्चन को उसको लिखिएगा, 12 वर्षों में दुगुना, तो यहां लिखिएगा 12 वर्षों में दुगुना, ठीक है। उसके बाद तब कितने वर्षों में 4 गुना, तो कितने वर्षों में, x वर्षों में 4 गुना, ठीक है। तो सेम वही चीज हो गया ना जो पहले था, यहाँ क्या हो गया, 12 वर्षों में दुगुना ना, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 के पावर में 1/12, और यहाँ क्या लिखेंगे, 4 के पावर में 1/x। इन दोनों को इक्वेट कीजिए, 2 के पावर में 1/12 इक्वल टू में 4 के पावर में 1/x है। जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ तो बेस है 2 ही है ना, प्राइम नंबर है, अब छोटा नहीं होगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2/x हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/x है, तो 1 इसको आगे लिखेगा तो ये तो कंपेयर होके हट जाएगा, तो 1/12 इक्वल टू में 2/x है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू में 24, तो 24 गुना हो, 24 वर्षों में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस पहले वाले क्वेश्चन का क्या था, ये क्वेश्चन उल्टा था, तो ये वाला टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन ये दिया जा सकता है ना कि अगर पी 1600 रुपए था या 800 रुपए था, तो 4 साल बाद कितना, ये कितने साल बाद, 24 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 4 गुना कर दीजिएगा तो 3200 रुपए हो जाएगा। तो आप से ये चीज भी पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम अगले टाइप को देखते हैं, और अगला टाइप हमारा क्या है, टाइप 6 है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम हटा देते हैं, ठीक है, और यहां लिखते हैं टाइप 4 हो गया ना, तो टाइप 5 होगा। देखिएगा दोस्तों, टाइप 5 का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का SICI मिक्स है, ठीक है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का SI 800 रुपए तथा 2 वर्ष का CI 820 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, फॉर्मूला आपको चाहिए होगा क्योंकि ये SICI मिक्स है, अगर स्टेप से बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ ना रेट, रेट का एक फॉर्मूला है CI माइनस SI अपॉन में SI ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल का SI को ही आपको यूज करना है, और ये रेट है तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या कीजिए, 100 से गुना कीजिए। एक और फॉर्मूला है P निकालने का, प्रिंसिपल निकालने का, तो उसको भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, SI ऑफ 1 ईयर, ठीक है ना, SI ऑफ 1 ईयर
और उसका क्या करना है, द होल स्क्वायर करना है, जो भी आएगा उसका द होल स्क्वायर कीजिएगा और नीचे में क्या होगा सी आई माइनस में एस आई। तो इन दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा क्योंकि ये इन दोनों फॉर्मूला पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सी आई और एस आई को मिक्स करके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं और ये किसके लिए है, दो साल के लिए, ठीक है, जहां टाइम आपको दो साल दिया होगा उसी के लिए होगा, ठीक है, तो दो साल के लिए है, अब हम हटा देते हैं इसको और एग्जाम में दो साल ही लिखा होगा, आगे लिखिएगा। इस पे क्वेश्चन मैंने बता दिया था तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो अमाउंट कितना दिया हुआ 820 रुपए, मतलब जो सीआई दिया है ना, सीआई दिया हुआ है, सीआई कितना दिया हुआ 820 रुपए और एसआई कितना दिया हुआ 800 रुपए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालने के लिए बोला गया रेट, तो हम क्या करेंगे सीधा रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला था, सीआई माइनस में एसआई अपॉन में एसआई ऑफ वन ईयर, यहां याद रखिएगा एसआई ऑफ वन ईयर को यूज करना है और यहां दो साल का है, ये जो है ना दो साल के बाद है, ये भी दो साल के बाद है, इस बात का भी ध्यान रखना आपको। अब यहां पे क्या लिखेंगे, दोनों को घटाएंगे तो 820 माइनस में 800 अपॉन में एसआई ऑफ वन ईयर, इसका आधा कीजिए, इसका आधा कितना हो जाएगा 400। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते तो 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 400, ठीक है, गुना में 100, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 5%। तो आंसर कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा 5%। तो देखिए कितने आसानी से हमने बना लिया, मुश्किल से 30 सेकंड में आप बना सकते हैं अगर आपके पास फॉर्मूला होगा तब। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे आ गया, किसी धन पर दो वर्ष का सीआई, ठीक है, सीआई कितना दिया 440 और एसआई कितना दिया होगा 400, टाइम कितना है दो साल, ध्यान दीजिएगा दो साल टाइम है, दो वर्ष का एसआई सीआई लिख लिया मैंने, तो पी आपसे पूछा, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैंने बताया था एसआई ऑफ वन ईयर द होल स्क्वायर अपॉन में सीआई माइनस में एसआई, अप्लाई कीजिए तो क्या आएगा एसआई ऑफ वन ईयर 200, 200 का स्क्वायर मतलब 200 गुना में 200 अपॉन में इन दोनों को घटा लीजिए, तो इन दोनों को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 40, 10 से 10 ये 5, कैलकुलेट कीजिएगा तो शायद 1000। तो आंसर आ जाएगा कितना, प्रिंसिपल आ जाएगा 1000। तो देखिए कितने आसानी से हमने बना लिया और बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। तो टाइप 5 के दो क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी धन, धन मतलब प्रिंसिपल का दूसरे वर्ष का, यहां ध्यान देना दूसरे वर्ष का लिखा हुआ है, ठीक है ना, वर्ष का एसआई 400 रुपए है, ठीक है, तथा दूसरे वर्ष का सीआई 450 रुपए है, तो आपको क्या निकालना है, वार्षिक दर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है कि जो प्रिंसिपल और जो नहीं, प्रिंसिपल नहीं, जो एसआई और जो सीआई लिखा हुआ है, एसआई पहले कितना लिखा हुआ है 400 रुपए और यहां पे कितना लिखा हुआ 450 रुपए, और कब का, सेकेंड ईयर का। दूसरे वर्ष का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ईयर अभी तुरंत खत्म हुआ है, जैसे आप क्रिकेट में बोलते हैं ना कि पांचवा ओवर चल रहा है, तो चार ओवर अगर तीन बॉल होते हैं ना तो उसको भी बोलेंगे कि वो पांचवा ओवर है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अभी दूसरा वर्ष खत्म नहीं हुआ, पहला वर्ष खत्म हुआ, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आधा नहीं करना है, आपको सीधा पुट कर देना है। रेट का फॉर्मूला था सीआई माइनस में एसआई अपॉन में सीआई माइनस में एसआई, सीआई माइनस में एसआई अपॉन में एसआई ऑफ वन ईयर, तो ये एसआई ऑफ वन ही ईयर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पुट करते हैं यहां पे, इन दोनों को घटाइए तो 50 रुपए और एसआई ऑफ वन ईयर कितना है 400 रुपए, गुना में क्या हो जाएगा 100, कैंसिल आउट कीजिए, जब इनको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12.5, सॉल्व करके देखिएगा तो रेट निकल जाएगा 12.5। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इसको आप बना सकते थे, केवल एक जगह आपको ध्यान देना था कि यहां लिखा था सीआई एंड एसआई ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब एक साल के बाद का। अब इसको हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर आ गया होगा, लिखा हुआ है कि किसी धन पर, किसी धन का किसी धन के दूसरे वर्ष का एसआई,
ठीक है, यहां भी दूसरे वर्ष का ही लिखा हुआ है, दूसरे वर्ष का एस आई 800 और सी आई कितना लिखा हुआ है 840। ठीक है, तो वह धन ज्ञात करे, तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, धन मतलब प्रिंसिपल। अब फॉर्मूला तो हम लोग के पास एक ही है, फॉर्मूला क्या है देखते हैं। देखिए हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था एस आई का होल स्क्वायर, और ये एक साल का है तो उसका आधा नहीं करना है, तो 800 गुना में 800 फॉर्मूला मैंने बता दिया था, अपान में सी आई माइनस में एस आई होता है ना, तो सी आई माइनस में एस आई कितना आ जाएगा 40 रुपए, 10 से 10 और ये 2 20 मतलब 16,000। आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 16,000। तो देखिए कितने आसानी से हमने इन चार क्वेश्चन को बना लिया, तो टाइप 5 क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया आप लोग को, चलिए ठीक है, मुझे लगता है। अब दोस्तों देखिएगा टाइप 6 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन क्या है, किसी धन धन मतलब प्रिंसिपल का 8% वार्षिक सी आई की दर से 2 वर्ष का एस आई तथा सी आई का अंतर, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, अंतर 48 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको 8% दिया हुआ है, टाइम आपको 2 साल दिया है और एस आई और सी आई का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन को अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है टाइप 6 का, जो डेटा है उसको लिख लेते हैं, डिफरेंस दिया 48 रुपए, एस आई कितना है, एस आई दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंस तो मैंने लिख दिया सी आई माइनस में एस आई का, रेट कितना है 8%, टाइम दिया है 2 साल, तो आपको 2 फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, 2 साल के लिए जो फॉर्मूला होता है फॉर 2 ईयर, डिफरेंस इज इक्वल टू में पी आर स्क्वायर बाई 100 इज द होल स्क्वायर, और 3 साल वाले फॉर्मूला में क्या होता है, डी इक्वल टू में पी आर स्क्वायर, आपको याद होगा 2 साल का याद होगा तो 3 साल का भी आप बना लीजिएगा, केवल यहां क्यू कीजिएगा और यहां पे 300 प्लस में आर कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 3 साल का। ठीक है, हम दोनों पे क्वेश्चन देखेंगे, अभी हमें देखना 2 साल पे, तो फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यू पुट कर दे करके देखिए, तो पुट करते हैं वैल्यू, पी पी का वैल्यू कितना है, पहले तो डी है ना, डी है 48, पी तो निकालना है, पी हमें पता नहीं पर रेट पता है ना, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 100 गुना में 100, 16 चौके 16 तिया 4 से 25 बार में 25 तिया 75 पे 2 जीरो, 7500 क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा 7500। तो देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, अब इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन टाइप 6 का देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि किसी धन का 3 वर्षों का सी आई एवं एस आई का अंतर, यहाँ 3 साल का दिया हुआ है, ठीक है, और अंतर कितना लिखा हुआ है 62, तो लिख लेते हैं 62, 10% आपको रेट दिया हुआ है, तो ये भी लिख लीजिए, तो धन कितना होगा, तो आपको फिर से प्रिंसिपल पूछा गया है, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया था, क्या बताया था, डी इक्वल टू में पी आर स्क्वायर, 2 साल का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, केवल यहां पे क्यूब कर लीजिए और यहां पे 300 प्लस में आर, वैल्यू पुट कीजिए, तो पी का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, पर डिफरेंस तो पता है ना, 62 इक्वल टू में पी इंटू में आर कितना है 10 गुना में 10 मतलब 100 अपॉन में 100 गुना में 100 गुना में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये 10, तो 310। अब जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कीजिए, 10 से 10 कट गया, 31 गुना, ठीक है, तो P इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 पे 1 2 3 मतलब हो सकता है कि 2000 आ जाएगा, देख लेते हैं सही है कि नहीं, तो 2000 देखिए कितना सही आ गया हम लोग का आंसर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई
1590, ठीक है। तो जो डेटा दिया उसको लिख लेते हैं, तो एसआई क्या होगा, आपको एसआई पूछा गया। तो ये भी क्वेश्चन सीआई एसआई का है, पर कुछ अलग है। इसको आप स्टेप से बनाने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट है उसका यूज कीजिएगा। रेट कितना लिखा हुआ है 12%, यहाँ दिखेगा। तो उसके बाद टाइम कितना लिखा हुआ है 2 साल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या कीजिएगा कि जो रेट है उसको लिखिए। तो रेट कितना है 12%, 12 को क्या कीजिएगा 112, 100 में ऐड कीजिएगा तो 112/100। मैंने बताया था कि रेट को 5% होगा तो 105 करके इसको सॉल्व करेंगे, आप कैंसिल आउट करेंगे तो 28, और यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 25, ठीक है ना। तो ये बन गया 28/25। इतना आपको समझ में आया, आप जो भी टाइम दिया है उसको पावर में दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, मैंने इसको सॉर्ट किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 784/625, और इन दोनों को घटा लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो 159 आ जाएगा। इसका मतलब इसको अगर हम 10 से गुना कर दे तो 10 इसके पास आ जाएगा, 10 इसके पास आ जाएगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल के फॉर्म में आ गया। आप इसी तरह बनाइएगा तो बन जाएगा, ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। अब अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल हो गया, अब हमें हमने क्या किया, प्रिंसिपल को निकाल लिया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमसे पूछा एसआई। तो जब आपका प्रिंसिपल निकल गया तो एसआई भी निकाल सकते हैं, तो एसआई को हम यहाँ निकालते हैं। तो एसआई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6250 गुना में 12% गुना में 2/100, ठीक है ना। 10 से 10 कट गया, उसके बाद ये 5 हो जाएगा, और 5 से काटिएगा तो 125 हो जाएगा। और जब गुना कीजिएगा तो 125 गुना में 12 कितना होता है, 1500। तो देखिए कितने आसानी से हमने 1500 निकाल लिया। समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन को आपको स्टेप से नहीं बनाना है, ठीक है। और ज्यादा फॉर्मूला भी हमें नहीं आता है तो हम फॉर्मूले से भी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत कम केस में बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी धन का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। सीआई कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 126.10 रुपए, ठीक है। हो तो वह धन उसी धन का उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, आपको ऐसा ही निकालना है। अब यहाँ कुछ और तो दिया नहीं है, टाइम दिया हुआ है, टाइम 3 साल, रेट 5%। अब हमारे पास रेट है, हम वही काम करेंगे, रेट को लिखेंगे और 105 लिख लेंगे, 100 में ऐड कर देना आपको। कैंसिल आउट कीजिए, 21/5 में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 21/5 में 20 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको 3 साल दिया है। ये कितना हो जाएगा, 9261/8000। अब यहाँ देखिएगा सीआई कितना है, पॉइंट में ना 126 है, तो आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 10 से भागा दीजिएगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो अब आपका ब्याज निकल जाएगा ये, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। आपको मतलब है कि प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 800, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल मिल गया मुझे 800। अब आपको निकालना क्या था, अब आपको निकालना था सी एस आई। तो एस आई का सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, PRT/100, पी तो दिया हुआ है, आर भी आपको दिया हुआ है, तो 5 गुना में 3/100 कैंसिल आउट हो गया 120। तो देखिए कोई फॉर्मूला हमने नहीं लगाया, आसानी से निकल गया। तो 120 रुपए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और हमारा लास्ट टाइप है, टाइप 7 होगा शायद, आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगला टाइप का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है, ये लास्ट टाइप नहीं है, इसके बाद लास्ट टाइप होगा। तो देखिएगा 25,000 रुपए का 3 वर्ष का सीआई क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले 8%, दूसरा 9% और तीसरा कितना 10%, ठीक है। तो रेट यहाँ दिया हुआ है तीन अलग अलग, कितना कितना दिया हुआ है, 8%/9%/10%, और कुछ दिया हुआ है 25,000 रुपए, तो लिख लीजिए पी है 25,000 रुपए, ये तो काफी आसान है। तो उसके बाद और कुछ नहीं दिया ना, तो इसका मतलब समय कितना हो गया 3 साल, क्योंकि ये भी पर एनम, ये भी पर एनम, ये भी पर एनम, ठीक है। तो अब हम अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं ना, पी इंटू में पी का वैल्यू पुट किया हमने,
आर वन प्लस में आर वन बाई हंड्रेड, आपको मैंने शुरुआत में बताया था वन प्लस में आर टू बाई हंड्रेड मतलब 109 बाई 100 हो जाएगा, वन प्लस में आर थ्री बाई हंड्रेड सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना 32,373। मैं यहां सीधा लिखता हूं 32,373। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर आसान क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा। अब क्या आ जाएगा 25,000 में से इसको घटाइएगा, क्योंकि सीआई क्या होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, जब घटा के लिखेगा तो 7,000 आना चाहिए और 373 आप घटा के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने आसानी से तो बनाया पर कैलकुलेशन ज्यादा था। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेशन ज्यादा होता है। अब हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन, किसी शहर, ठीक है, किसी शहर की आबादी 8,000 रुपए है। तो याद रखिएगा जब भी पॉपुलेशन, ठीक है, या बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना, प्लस आर होगा, और जब भी मशीन के प्राइस के बारे में बात करेंगे ना तो वहां क्या होगा डिक्रीमेंट होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मतलब कहने का क्या था P इंटू में वन प्लस में R प्लस माइनस R बाई हंड्रेड, प्लस कब होगा जब पॉपुलेशन और बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, पर मशीन का जो प्राइस होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन कितना है 8,000। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि 8,000 दिया है पॉपुलेशन रेट, किस दर से बढ़ते हैं 25%, उसके बाद कितने साल तक 3 साल तक। अब क्या होगा, अब दो कंडीशन आप ध्यान में रखिए, ठीक है, आफ्टर और एक बिफोर। बिफोर मतलब पहले, तो पहले आप क्या जमा करेंगे पी, बैंक में प्रिंसिपल ही तो जमा करेंगे ना, बाद में आपको क्या मिलेगा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले हमेशा आपको क्या मिलता है, यानी पास्ट में आपको क्या मिलेगा, पास्ट में प्रिंसिपल आपका पूंजी होगा पास्ट में, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में होगा अमाउंट, जो आपका इन्वेस्टमेंट आया ना उसका जो रिजल्ट आया टोटल पैसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा होगा कि 3 साल बाद तो 3 साल बाद आपको क्या निकालना होगा अमाउंट, और पूछा होगा 5 साल पहले तो 5 साल पहले आपको क्या निकालना होगा 5 साल पहले आपको प्रिंसिपल निकालना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मतलब आफ्टर। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना E इंटू में पी इंटू में वन प्लस में आर बाई हंड्रेड, तो पुट कर लीजिए 125 आ जाएगा और यहां 3 साल हो जाएगा। ठीक है, क्यूब हो जाएगा, आप कैंसिल आउट करेंगे तो 25 से 5, ठीक है, 25 चौके ये आ जाएगा 8,000 गुना में 125/64, इसको कैंसिल आउट करके जब आप लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा 15,625। आप कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में लिखा होता बिफोर मतलब 3 साल पहले, तो 3 साल पहले आप क्या फॉर्मूला लगा देते पी इंटू में वन माइनस में आर बाई हंड्रेड, नहीं वन प्लस में आर बाई हंड्रेड, पर यहाँ पे आपको क्या लिखा क्या निकालना होता, यहाँ पे आपको ये पहले वाला है ना, ये बिफोर वाला है, बिफोर वाले में क्या करते आप अमाउंट के जगह पे 8,000 को पुट करते हैं और प्रिंसिपल को निकालते हैं, और यहाँ पे 125/100 ही लिखते हैं और पावर में 3, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी बैंकिंग और रेलवे की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जिसका टाइम मैंने बता दिया था कि रेलवे का जो क्लास होता है वो 8 बजे रात में होता है, रोज होता है। ठीक है, और जो बैंकिंग का जो क्लास हो रहा है वो सुबह 10 बजे होता है। ठीक है, 10 बजे और 2 बजे भी होता है, अब ज्यादा क्लास होगा बैंकिंग का क्योंकि बैंक के काफी ज्यादा एग्जाम आ रहे हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास दे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, और एक बेल आइकन होगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू,
और अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।